नमस्कार सभी को। आज हम भक्तिन पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? आंसर इस तरह से है, भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। चूँकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी ताकि लोग, क्योंकि वह गरीब थी तो ये ना जान सकें कि वह नाम तो लक्ष्मी है और वह है गरीब, इसलिए अपना नाम वह छुपा लिया करती थी। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी तो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, इसलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर भी जाएगी वो भी धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। इसके बाद उसे और एक नाम मिला, भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा ने घुटा हुआ सिर, गले में कंठी की माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा को देख करके दिया था। जब वह महादेवी वर्मा के पास जाती है तो उसके गले में जो कंठी माला है उसे देख करके महादेवी वर्मा जी ने उन्हें भक्तिन नाम प्रदान किया था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दो कन्या रत्न पैदा होने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों के द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, क्या आप इससे सहमत हैं? आंसर इस तरह से लिखना होगा कि हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि भक्तिन के पुत्र ना होने पर उपेक्षा अपने ही घर की सास और जिठानियों अर्थात नारी जाति से मिली। सास और जिठानियाँ आराम फरमाती थी क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था और भक्तिन और उसकी नन्ही बेटियां घर का सारा खेत का काम भी किया करती थी, जबकि उसके पति का भक्तिन के प्रति स्नेह कभी भी कम नहीं हुआ। साथ ही मेरे अनुसार किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर और बेटी बहुओं पर अत्याचार आदि नहीं हो सकता है। प्रश्न आता है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जपरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है, बताएं कैसे? तो आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत के द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जेठ ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र करके भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर के उसका विवाह जबरदस्ती जेठ के निकम्मे तीतरबाज साले से कर दिया। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार के द्वारा लिया जाता है। यदि कोई लड़की विरोध करने का साहस करती भी है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है। प्रश्न आ जाता है कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में अनेक दुर्गुण भी थे। दुर्गुण क्या क्या थे? वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसों को भंडार घर की मटकी में छुपा देती और इस कार्य को वह चोरी नहीं मानती थी। दूसरा क्या था? महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती है, अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती है। तीसरा दोष था, वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार बदल देना चाहती है और स्वयं बिल्कुल भी नहीं बदलती है। चौथा दोष क्या था? कि वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छानुसार किया करती थी। प्रश्न आता है कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है?
लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था, आपने पाठ पढ़ा है। लेखिका उसे ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन भक्ति केस मुंडाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है, इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र द्वारा न होकर के किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई है, परंतु तर्क में पटु होने के कारण लेखिका भक्तिन को सिर मुंडवाने से नहीं रोक पाती है। प्रश्न आता है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? तो महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। भक्तिन देहाती खाना गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मक्की की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथों का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह ही देहाती बन गई। आज के हमारे भक्तिन पाठ के प्रश्न बस यहीं तक हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करना ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।